हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में समझाइश व सख्ती बेअसर, सड़कों पर दिख रही आवाजाही। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश भर में लगाए लॉकडाउन का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। जोधपुर शहर में लॉकडाउन का कुछ दिन तक पालना करने के बाद अब शहरवासी वापस घरों से बाहर निकलने लग गए हैं। सड़कों पर लोगों और वाहनों की आवाजाही दिख रही है। कई लोग तो कर्फ्यूग्रस्त इलाके में भी नजर आए। हालांकि पुलिस कर्मियों ने समझाइश कर व सख्ती दिखाते हुए इन्हें वापस अपने घर में भेज दिया। कई वाहनों के चालान भी काटे गए तो कई वाहन सीज भी किए गए। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कमिश्नरेट के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। इसके बावजूद सुबह व शाम गली मोहल्ले में चहल पहल पर शुरू होने लग जाती है। इसी के चलते कर्फ्यू ग्रस्त 7 थाना क्षेत्रों में ड्रोन से लगातार निगरानी रखकर कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर नोटिस भी दिए जा रहे हैं। कर्फ्यू ग्रस्त पुलिस स्टेशन नागौरी गेट, सदर बाजार, सदर कोतवाली व उदय मंदिर के अलावा पश्चिम जिले के प्रताप नगर व देवनगर थाना क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से हर गली मोहल्ले में निगरानी की जा रही है। पुलिस ने सख्ती के साथ लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का घरों से बाहर निकलना जारी है। ये लोग अलग अलग कारण बताकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को डंडे पड़ रहे हैं, वहीं उनके वाहन सीज किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में जब पुलिस लोगों को रोकती है तो वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति घर घर करने की व्यवस्था की जा रही है। सभी रास्ते सील करने के साथ लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद कर दी गई है। शहर का आधा भाग कर्फ्यू ग्रस्त हो चुका है, फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।